हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक स्नेक को हम फॉरेस्ट में रिलीज़ करने के लिए आए। कल रात हमने इसको रेस्क्यू किया था और दोस्तों इसके बारे में स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों ने और कमेंट किया कि आप कॉमन क्रेट स्नेक के बारे में ज़्यादा जानकारी दे दें, उसके काटने के बाद क्या होता है। तो लोगों के घरों में ज़्यादा तादाद में ये मिलते हैं बारिश के मौसम में और बिस्तर में भी ये चले आते हैं, इसलिए इसका ही रात में जो नींद में स्नेक बाइट होता है जहरीले सांप का, अगर जहरीला सांप काट लेता है तो ज़्यादातर इसका ही बाइट हो जाता है, इसलिए हम इसका स्पेशल वीडियो बनाना चाहते हैं। तो पहले भी हमने कई सारे वीडियो हम इसके बारे में बनाए हैं, लेकिन आज फिर एक बार जिन्होंने अभी मतलब जो नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए और जो पुराने हमारे यूज़र हैं, सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये वीडियो खास है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉमन क्रेट स्नेक, नाम फिर एक बार बता रहा हूं दोस्तों, कॉमन क्रेट स्नेक। हिंदी में इसे करेत कहा जाता है, मराठी में मन्यार। नाम फिर एक बार बोल रहा हूं, इंग्लिश में इसे कॉमन क्रेट स्नेक कहते हैं और हिंदी में करेत सांप और मराठी में मन्यार सांप। तो ये जो सांप है लगभग 5 फीट 2 इंच तक बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 5 फीट 2 इंच। और इसकी पहचान है बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान, ठीक है। ये जो सांप है दोस्तों बहुत ही शर्मिला होता है, जब अपने घर में प्रवेश कर जाता है, घर में आने के बाद शिकार के लिए बाहर निकलता है रात को। ये लेट नाइट मूवमेंट करने वाला सांप है, जब ये बाहर निकलता है रात को तो कभी कभी घर में भी आ जाता है। उसके बाद कुछ खाकर वो छुपने के लिए जगह देखता है। तो घर के जो हमारे कबाड़ है, बेड है, उसके नीचे छुप जाता है, जहाँ पर पड़ा हुआ सामान होता है घर के कोने में, वहाँ पर ये छुप जाता है। कभी कभार ये बिस्तर तक चला आता है छुपने के लिए, और जहाँ पर हम सोए हुए होते एक तरफ से, तो जैसे उस पर गलती से हाथ लग जाता है, पाँव लग जाता है, तो ये काट लेता है। ऐसे तो ये जल्दी काटना नहीं चाहता दोस्तों, ऐसे अगर मतलब जल्दी ये काटना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके ऊपर अगर दबाव दिया जाता है और गलत तरीके से उसको कोई पकड़ लेता है। अभी मैंने सीधी तरह से इसको पकड़ लिया, फिर भी देखिए कितना फुर्तीला है। जब तक ये शांत होता है एक जगह पर बैठा, तब तक बहुत शांत होता है। जब इसको हल्के से हाथ से कोई टच भी कर देता है तो तुरंत फुर्तीला हो जाता है, भागने का प्रयास करता है। तो आप देख सकते हैं ये कॉमन क्रेट स्नेक, और इस जब भी इसका बाइट हो जाता है रात में, इस सांप का अगर बाइट हो जाता है तो पता नहीं चलता। लोग सोचते हैं नींद में अगर किसी को काट लेता है, वो सोचता है कि किसी मच्छर ने काटा होगा या फिर चींटी ने काटा होगा, वो ध्यान नहीं देता। लेकिन उसके एक दो घंटे बाद, लगभग एक घंटे बाद अचानक पेट में थोड़ा दर्द होने हो जाता है, गला सूख जाता है, ठीक है, उल्टियाँ आना शुरू होता है और ज़बरदस्त सरदर्द होने लगता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम है पूरे बॉडी का, उस पर ये धीरे धीरे अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ पर इस सांप ने काट लिया है उस जगह का खून जम जाता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता। जैसे मानो अभी पाँव को काट लिया है, ठीक है, तो एक दो घंटे बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पूरा पाँव जो है उसका सुन पड़ जाएगा। कुछ जैसे उसका अगर बाद में किसी ने काट भी लिया तो उसको पता नहीं चलेगा, इतना उसका खून जम जाता है। और इसका जो जहर है न्यूरोटॉक्सिक, जो कोबरा स्नेक में पाया जाता है वही जहर है, लेकिन इसका और उसका वेनम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो जहर है वो तेज़ है, इसका जो वेनम है बहुत ही तेज़ होता है। जिस तरह से कोबरा के हम अगर मान लो 5 बूंद लिए जहर के, तो इसका एक ही बूंद उसके बराबरी में काफ़ी है, इतना ये जहरीला सांप है। भारत का सबसे जहरीला, इसके काटे जाने पर इंसान की मौत तय है। लेकिन दोस्तों, अगर जल्द से जल्द उपचार सही तरीके से मिल गया तो आदमी बचा जा सकता है। इसके काटे जाने पर क्या करना है, किसी मांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, डरना नहीं है, ये ज़रूरी बात है, डरना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं, किसी मांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना है, सीधे जल्दी से जल्दी हो सके उतना हॉस्पिटल जाना है। ज़्यादा अपनी बॉडी की, अपने शरीर की हलचल नहीं होने देना है, ठीक है। जितना आप जल्दी पहुँचेंगे हॉस्पिटल में, और दोस्तों ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जिस हॉस्पिटल में विष बाधा पर ट्रीटमेंट किया जाता है,
विष बाधा पर वहाँ पर दवा उपलब्ध होता है, जैसे एंटीवेनम ऐसे दवा उपलब्ध होते हैं, और स्पेशल डॉक्टर जो होते हैं विष बाधा पर उसी हॉस्पिटल में जाना है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसका इलाज होता है, वहाँ पर भी जा सकते हो आप। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटीवेनम या डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर विष बाधा पर ट्रीटमेंट होने वाला हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ पर विष बाधा का ट्रीटमेंट होने वाला हॉस्पिटल चाहिए। तो ये फिर एक बार इसके बारे में पहचान बताऊंगा दोस्तों। ये पहचानने में बहुत ही आसान है, पूरा ऊपर से काला दिखाई देता है और हल्का सा नीला चमकीला दिखाई देता है, पूरा ऊपर से पूरा का पूरा काला दिखाई देता है ऊपर से और हल्का सा नीला चमकीला दिखाई देता है, और मुंह से लेकर यहाँ तक सफ़ेद डॉट दिखाई देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर पूंछ की नोक तक दुहेरी जोड़ी में सफ़ेद पट्टी दिखाई देते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़ेद डॉट दिखाई देते हैं ऊपर से, और यहाँ से लेकर के पूरी पूंछ की नोक तक दुहेरी जोड़ी में सफ़ेद पट्टी दिखाई देते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये नीचे से हल्का सा पीला दिखाई देता है, और उसकी आँखें जो है आप ध्यान से देखिए, आँखें जो उसकी छोटी है और काली है पूरी, और इसकी जीभ जो है गुलाबी कलर में दिखाई देती है, जो अपनी जीभ जो है बार बार ये अपनी बाहर निकालता है। और दोस्तों फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि नींद में अगर कुछ काटा और आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद आपको क्या रिएक्शन हो गया, पेट में हल्का सा दर्द होने लगा, ज़्यादा दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, अचानक अपना गला सूखने लगा, जहाँ पर कुछ काट लिया ऐसा लग रहा है आपको, वहाँ पर उसका हिस्सा जो है सुन पड़ने लगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा होने लगा, तो समझ लेना कि सांप ने काट लिया है। तो क्या करना है, सीधा हॉस्पिटल, अपने शरीर की अपनी बॉडी की बिना हलचल किए ज़्यादा हलचल नहीं करना है, और हॉस्पिटल जाते टाइम हो सके तो फोर व्हीलर में जाना है, लेट कर सोना नहीं है, ध्यान में रखना एक बात कि सोना नहीं है, लेट के जाना है लेकिन सोना नहीं है, ध्यान में रखना, सो कर जाओगे तो हमेशा के लिए सो जाओगे। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, कॉमन क्रेट स्नेक, फिर एक बार नाम बता रहा हूँ, कॉमन क्रेट स्नेक, और हिंदी में करेत, मराठी में मन्यार। नीचे से देखिए आप, हल्का सा पीला और सफ़ेद है पूरा। तो चलिए इसको भी आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि अभी ये काटने की मुद्रा में आ गया अभी, इसलिए हम इसको जल्दी से आज़ाद कर देते हैं। तो